आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुशांत केस में सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ नीरज से पिछले 2 घंटे से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ और नीरज के बयानों में अंतर नजर आया था और इसीलिए सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश तीनों को आमने सामने बिठाया गया है। सीबीआई सवाल कर रही है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई आज ही सवाल जवाब कर सकती है। इसके अलावा क्राइम सीन को कल सीबीआई ने रिक्रिएट किया था, उसे आज एनालाइज किया जा रहा है। जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था उनसे सीबीआई पूछताछ कर रही है। और इस बीच मुंबई पुलिस डीआरडीओ गेस्ट हाउस से वापस चली गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से सबूत इकट्ठा होना शुरू हो गया है, लोग अब सामने आके बोल रहे हैं। हम समझते हैं एक तरह से कि सीबीआई पर लोगों को भरोसा जगा है, उम्मीद जगा हुआ है कि सीबीआई कुछ करेगी, कुछ गलत नहीं होने देगी। इसलिए पड़ोसी महिलाएं बता रही कि लाइट ऑफ था, तो ये तमाम चीज़ों से ये स्पष्ट होते जा रहा है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। और मुझे लगता है कि अब गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी और मुझे आशा विश्वास है कि जो लोग काफ़ी संदिग्ध व्यक्ति जो लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो पिठानी हो चाहे वो संदीप हो, तो इन लोगों की अब गिरफ्तारी होनी चाहिए मुझे लगता है। तो बताएं कि रिया के अलावा सुशांत केस में 4 अहम किरदार और ये 4 किरदार वो हैं जो कि 14 जून को यानी कि जिस दिन सुशांत मृत पाए गए थे उसी फ्लैट में मौजूद थे। सीबीआई की टीम नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से लगातार पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी से खास तौर पर ये पूछा जा रहा है कि वो सुशांत और रिया के संपर्क में कैसे आया। हीरो और उसकी मौत मिस्ट्री के 4 किरदार, वारदात का पहला गवाह सिद्धार्थ पिठानी, हाउसकीपर और कुक नीरज सिंह। वारदात वाले दिन 14 जून को फ्लैट पर मौजूद कुक केशव और दीपेश, ये 4 किरदार खोलेंगे सुशांत केस के राज। मुंबई में सुशांत केस की सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन से जारी पूछताछ को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर सीबीआई की निगाहें इन्हीं चारों पर है, क्योंकि मौकाए वारदात पर मौजूदगी की वजह से यही वो 4 लोग इस केस की अहम कड़ी हैं, जो उस रोज की सच का खुलासा कर सकते हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश को आमने सामने बैठाकर फिर से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच की शुरुआत हाउसकीपर और कुक नीरज से पूछताछ से की थी। पूछताछ में सीबीआई ने नीरज से वारदात के दिन और उससे पहले फ्लैट में जो कुछ भी हुआ सारे सवाल किए। नीरज से रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर भी सवाल किए गए। सीबीआई ने जो सवाल नीरज से किए वो सवाल नीरज से एक्सक्लूसिव बातचीत में 1 अगस्त को आज तक ने भी किए थे। पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते अपना दीपेश था और लास्ट में मैं था। तो जैसे दीपेश गया वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के हमने बोला ऐसा क्या है हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे मैं था तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके हुए, तो देखा नहीं गया मतलब बिल्कुल होश उड़ गया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद तो कुछ जो भी है उन लोगों ने करा। कल सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा के डुप्लेक्स फ्लैट पर पहुंची थी और करीब 6 घंटे छानबीन की। खास बात ये थी कि सीबीआई ने पूरी छानबीन वारदात के दिन घर पर मौजूद रहे सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह की मौजूदगी में की, ताकि किसी भी तरह के सवाल का जवाब मौके पर मिल सके, क्योंकि ये सभी सुशांत की मौत को सुइसाइड करार दे चुके हैं। बहुत देर नॉक करा, इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा। ऐसे करके 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड। इसके बाद घटना वाले दिन को फिर से रिक्रिएट किया गया, ये समझने की कोशिश की गई कि सुशांत की जिंदगी के आखिरी दिन क्या हुआ था। करीब 2 दर्जन फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी उस कमरे में पहुंचे जहां सुशांत ने सुसाइड किया था। यहां से उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई जो सुशांत की मौत की कहानी में अब तक सामने आई है, जिसकी वीडियोग्राफी भी तैयार की गई। सुशांत के फ्लैट के आसपास की जगहों की फॉरेंसिक टीम ने वीडियोग्राफी की।
की टीम यहां पर पहुंची है और बकायदा सिद्धार्थ पिठानी को लेकर यहां पर पहुंची है, जो नीरज कुक है उसको लेकर यहां पर सुशांत के स्प्रेड पर सीबीआई की टीम पहुंची है। आपको दिखा दूं, ये तस्वीर है, बकायदा दो टीमें हैं। सीबीआई सुशांत की ऊंचाई और वजन से मिलते जुलते एक पुतले के साथ सुशांत के कमरे में पहुंची। सुशांत की हाइट करीब 6 फीट थी, जबकि मकान के फर्श से लेकर पंखे तक की दूरी 10 फीट। ऐसे में सीबीआई ने बेड और फंदे के सहारे ये समझने की कोशिश की कि आखिर सुशांत ने बगैर किसी स्टूल या दूसरी चीज से पंखे में फंदा कैसे लगाया। इसके लिए सीबीआई के फॉरेंसिक फिजिक्स के एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। पुलिस ने सुशांत के फ्लैट की छत का मुआयना भी किया। रात करीब 9 बजे सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट से निकली, जहां उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और धीरज सिंह थे, जिसे लेकर वो डीआरडीए को गेस्ट हाउस पहुंचे और सवाल जवाब का लंबा दौर चला। अब सीबीआई की टीम उन पुलिस वालों से भी पूछताछ कर सकती है जो सुशांत के घर सबसे पहले पहुंचे थे। सुशांत के कमरे के लॉक की मिस्ट्री को फिर से समझा जाएगा, जिसे लेकर चाबी बनाने वाले रफीक से एक बार फिर पूछताछ होगी। कहा था कि अगर अंदर से दरवाजा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत। अगर अंदर से आवाज भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खुलना, ऐसा कहा था उन्होंने। मैं छिनी हथौड़ी से और स्क्रू ड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक टूटने के बाद मैंने स्क्रू ड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला, फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाजा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया। मुंबई पुलिस से मिले सुशांत केस से जुड़े तमाम दस्तावेज और चीजों को सीबीआई नए सिरे से देख रही है। इस बीच सुशांत की बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने अहम खुलासा किया है। उसके मुताबिक 13 जून की रात सुशांत के कमरे की लाइट बंद हो गई थी, केवल किचन की लाइट जल रही थी। ऐसा पहले नहीं होता था। शम्स ताहिर खान, अरविंद दोषा, दीपेश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। नए नए खुलासे, नए नए बयान, लेकिन साथ ही साथ विरोधाभास भी, जो कि मामले को और ज्यादा पेचीदा कर रहा है। अरविंद ओझा हमारे साथ है। अरविंद, बयान जब लिए जाते हैं तो लगातार जब बदल जाते हैं, विरोधाभास सामने आता है। भले ही आज आमने सामने बिठाकर बातचीत हो रही है, लेकिन लूपहोल्स बहुत ज्यादा है पूरे केस में। जिस दिन मुंबई पहुंची थी शाम को, उस दिन दूसरे दिन सुबह मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करने से पहले उसने नीरज कुक, उसको बुलाया और उससे पूछताछ की, तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की। फिर उसके बाद मुंबई पुलिस से कांटेक्ट किया, यानी जो नीरज कुक है, सीबीआई ने उसको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देखा कि ये जो शख्स है जो मौका वारदात पर मौजूद है, ये टूट सकता है सबसे पहले, और कहीं ना कहीं सीबीआई को लीड मिली, जिसके बाद उसने दूसरे दिन नीरज से पूछताछ की, मुंबई पुलिस के अफसरों से पूछताछ की। लेकिन जब क्राइम सीन पर रिक्रिएट करने के लिए सीबीआई गई थी, तो आज तक के कैमरे पर सुशांत की पड़ोसी जो महिला थी, उसने बड़ा खुलासा किया। उसने खुलासा किया कि दरअसल 13 जून की रात को 10:30 बजे पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई थी, जबकि केवल किचन की लाइट जल रही थी, और जबकि ऐसा अमूमन होता नहीं है, 4 बजे तक वो जागता रहता था। ये बड़ा बयान दिया और उसके बाद आखिर में बहुत बड़ी बात कर दी कि ऐसा लगता है कि कहीं कुछ है, इंग्लिश में ये बात उन्होंने बोली थी। तो बहुत मुमकिन है कि सीबीआई उन महिला का भी बयान दर्ज करेगी, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो नीरज जो कुक है, जो सिद्धार्थ पिठानी है और दीपेश, इन तीनों को आमने सामने बिठाकर सीबीआई की टीम वो लगातार पूछताछ कर रही है। कल जब क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए फोरेंसिक टीम या फिर सीबीआई की टीम सभी को लेकर वहां पहुंची थी, घर के बाहर आप भी थे और हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी थे, आप दोनों की जो बातचीत चल रही थी उसमें शम्स जो बहुत सारी चीजें ये भी बता रहे थे और आपने भी देखा, क्योंकि आप तो मौका वारदात पर होकर आए हैं, एक नहीं दो नहीं, वहां पर चारों तरफ इतने ज्यादा कैमरास लगे हुए हैं जिनसे बहुत सारे सबूत, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल नौजवान, हमने वो बकायदा तस्वीरें भी आज तक पर दिखाई थी, हमने उस पूरे न सिर्फ उस बिल्डिंग को बल्कि बिल्डिंग के आसपास की जो तमाम लोकेशन है उनको बकायदा एस्टेब्लिश किया है। और अगर घर की बात की जाए तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा था और
जिसने वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया है उससे हमने खुद बात की थी, आज तक ने बात की थी, जिसमें उसने बताया था कि सीसीटीवी कैमरा 13 और जून को काम कर रहा था। मुंबई पुलिस ने भी हालांकि इस बात को एडमिट किया है, तो वहां के सीसीटीवी से काफी सुराग मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात आपको ये गौर करने वाली है नवजोत, कि जो घर में लोग मौजूद थे उन पर ही सवाल सुशांत के पिता ने उठाया है, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी है, जिसमें नीरज कुक है और तमाम लोग हैं, यानी जो करीबी है सवाल तो उन्हीं पर उठ रहा है। ऐसे में उनसे सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और शायद ये वजह है कि तीसरे दिन नीरज कुक को बुलाया गया है और कहीं ना कहीं जो बयानों में विरोधाभास है इस वजह से अब सिद्धार्थ पिठानी को, नीरज जो कुक था उसको और दीपेश सावंत, उन तीनों को बिठाकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो इसी पूछताछ पर सीधा चलेंगे, मुस्तफा भी हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा, पूछताछ हो रही है, तीनों को आमने सामने बिठाकर आप वहीं पर मौजूद है, डीआरडीए गेस्ट हाउस के बाहर, क्या कुछ खबरें वहां से निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल नवजोत, अगर आपको बताएं हम के एक मेकशिफ्ट ऑफिस से इस वक्त सीबीआई काम कर रही है। सीधा आपको अंदर के विजुअल दिखाएंगे जहां पर आपको दिखेगा कि कितनी टीम इस वक्त सीबीआई के अंदर मौजूद है और क्या अंदर हलचल चल रही है। जो दो सपोर्ट स्टाफ थे सुशांत सिंह के उनको फिर से बुला लिया गया है, उनके जो दोस्त हैं सिद्धार्थ पिठानी उनको भी फिर से बुला लिया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो आज तक उठा रहा है यहां पर वो ये है कि जिस शख्स ने दरवाजा तोड़ा था, जिस शख्स ने, जिस की मेकर को बुलाया गया था, उस की मेकर ने आज तक के इंटरव्यू में क्या अहम बातें रखी है, पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सहयोगी बताएंगे। देखिए मुस्तफा, आज सुबह से ही बड़े दिलचस्प यहां पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप लॉकस्मिथ की बात कर रहे हैं तो दो बातें जो हैं वो सबसे अहम हैं और सामने आती हैं। सबसे पहले तो लॉकस्मिथ ने यह कहा कि उसको 2,000 रुपये दे दिए गए लेकिन उसको दरवाजा खोलकर अंदर देखने नहीं दिया गया कि आखिर क्या गड़बड़ है। लॉकस्मिथ का कहना है वो तो इस सोच में था कि शायद अंदर कोई वृद्ध इंसान होगा, अंदर से दरवाजा बंद हो गया है इसलिए खोलने के लिए उसको बुलाया गया है। उसको नहीं पता था कि ये सुशांत सिंह का घर है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही इस लॉकस्मिथ को फोन किया गया और कहा आप जल्दी से अंदर आ जाइए, दरवाजा बंद हो गया है, उसको तोड़ना है, तो इस लॉकस्मिथ ने एक फोटोग्राफ मांगी, कहा व्हाट्सएप के जरिए एक फोटोग्राफ भेज दीजिए। लेकिन जो कमरा बंद था उसका फोटोग्राफ नहीं भेजा गया, एक दूसरे कमरे का भेजा गया। इस पर इस लॉकस्मिथ ने कहा कि ये वो तो दरवाजा बंद नहीं है। तो सवाल यही है कि वहां पर दीपेश, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी जो मौजूद थे, आखिर उनको क्या किसी बात का डर था? वो क्यों इस बात से घबरा रहे थे कि जो असल दरवाजा है जो बंद है उसकी पिक्चर ली जाए? ये बड़ी बात है मुस्तफा। जी नवजोत, बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल जरा पंकज से भी करना चाहूंगी और हमारे साथ इस वक्त अरविंद ओझा भी हैं। जिस तरीके से पंकज ये बता रहे हैं कि बाहर लॉक वाले को पिक्चर कुछ और भेजी गई, यानी जो कुछ भी खेल हुआ वो अंदर हुआ और वो तीनों लोग, दूसरा इस वक्त तीनों के बयानों में विरोधाभास और वापस से तीनों को आमने सामने बिठाकर बात करना, तीसरी सबसे अहम बात ये कि परिवार का शक भी तीनों पर ही जा रहा है। जी बिल्कुल नवजोत, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि दरअसल जिस तरह आप इस चीज को ऐसे समझिए, कल जो महिला ने आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव बयान दिया है उसमें ये कहा है कि 10:30 बजे 13 जून को पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई थी, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी। और साथ ही साथ उस महिला ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। और ये बयान तब आया जब सीबीआई की टीम बिल्डिंग के अंदर थी और तब सुशांत की जो पड़ोस में रहने वाली है महिला, उसने बयान दिया। नंबर एक। नंबर दो, परिवार वालों ने करीबियों पर ही शक जताया है। करीबी रिया भी थी, करीबी सिद्धार्थ पिठानी भी है, करीबी नीरज कुक भी है, करीबी दीपेश सावंत भी है। और शायद यही वजह से आप देखें तो कल से लेकर आज तक सबसे ज्यादा जो बहुत सारे ऐसे सवाल है। अरविंद, लौटूंगी आपके पास, हमारे तमाम सहयोगी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जैसी अपडेट मिलेगा हम लौटेंगे। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।